टक्कर वाली सीट है और यहाँ पर बड़ी तादाद अनडिसाइडेड वोटर की भी है, 10% के आसपास लगभग है। तो ये सीट अभी क्योंकि चुनाव में समय है तो स्विंग भी हो सकती है, लेकिन हम आपको अगले कुछ और राज्यों की सीटें भी बताते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का मुस्लिम बाहुल सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? 5 सीटें हैं यहाँ पर मुस्लिम बाहुल सीटें, बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और 1 सीट शिवसेना और एनसीपी शरद पवार वाले गुट को और उद्धव ठाकरे गुट को मिल रही है। तो 1 सीट उन्हें मिल रही है और 1 सीट शिवसेना शिंदे गुट को और एनसीपी अजित पवार गुट को, 2 सीटें मिल रही हैं। तो 2 बीजेपी को मिल रही हैं और 2 उनके सहयोगियों को मिल रही हैं। 4 सीटें मिल रही हैं एनडीए को और 1 सीट जा रही है इंडिया अलायंस के खाते में। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की सीटें देखिए, यहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल सीटों का हाल क्या है वो आपको दिखाते हैं। 3 सीटें हैं और ये 3 की 3 सीट बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कर्नाटक की ये 3 सीटें। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थिति क्या है ये वो भी आपको दिखा देते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम बाहुल सीटें हैं 2, 1 बीजेपी के खाते में जा रही है और 1 AIMIM को मिल रही है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही है। तो 1 बीजेपी के खाते में और 1 AIMIM के पास। तो ये 3 राज्य भी हमने आपको दिखाए। तेलंगाना की स्थिति आपने देखी, कर्नाटक की स्थिति आपने देखी और महाराष्ट्र की स्थिति आपने देखी। लेकिन वरुण जी देखिए, ये बार बार हम हर बार के चुनाव के दौरान और हर बार इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा होती है जब मुस्लिम बाहुल सीटों की बात होती है। क्या अभी तक इतने सालों के दौरान ये वो दल जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं या सेक्युलर अलायंस होने का दावा करते हैं, क्या वो ये फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं कि ये वोटर हमारे ही पास आएगा क्योंकि ये वोटर हमें ही वोट करेगा, इस वजह से उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? और क्या इस वजह से भी स्थिति बदल रही है, वोटर खिसक रहा है बीजेपी की तरफ जा रहा है? क्योंकि 2019 के चुनाव के दौरान हमने देखा था कि बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया था और कई जगहों पर ठीक ठाक परसेंट वोट मिला था बीजेपी को मुसलमानों का, जिसका आप ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी उनके पक्ष में कभी वोट नहीं करेगा। वरुण जी, तो मेरा जी देखिए, मैंने फिर कहा हमारा काम डिवाइड करने का नहीं है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। तो अभी कह रहे हैं डराते भाई, कांग्रेस कौन से मुसलमान को डरा रही है, किसी अल्पसंख्यक को डरा रही? कांग्रेस तो सबको साथ लेके चलती थी। कांग्रेस का डिबेकल बीजेपी ने नहीं किया है, कांग्रेस का तो इंटरनल प्रॉब्लम से डिबेकल है। आज कांग्रेस मजबूत हो जाए तो बीजेपी, आप मुझे बता दो, मोदी जी कहीं टिक नहीं सकते। अगर टिक रहे होते तो कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीतती, वहां मुसलमान को क्या हो गया था? ऐसा नहीं है। और 2019 की बार बार आप बात करते हो, 2019 कैसे जीता, कैसे लोगों के मन में क्या भावना आई, सबको पता है किस प्रकार से जीता। उसके पहले के जो सर्वे थे आप उठा के देख लीजिए, जनवरी फरवरी के क्या हालत थी बीजेपी की, 150 सीटें भी नहीं आ रही थी। इसलिए बार बार हम उसको रिपीट करें। और दूसरा, पुराने डेटा पे हम करते हैं हर बार, तो 2 सीटें भी आई हैं बीजेपी की, अभी 303 भी आई। तो जनता डिसाइड करती है। जहां तक मैं आपको अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके सर्वे की मेथडोलॉजी डिसाइड करती है सर, लेकिन क्या उसी एक तरीके से हम क्या सोचते हुए यहां तक पहुंचे और क्या वो बदल रहा है, वो शिफ्ट देखने को मिल रहा है क्या, इस वजह से ये तस्वीर है? ये सवाल था मेरा आपसे। संतोष कोलकाता की सीट के बारे में जानना चाहते हैं, ये वो भी एक सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शक। संतोष हैं, कोलकाता की स्थिति क्या है, कोलकाता की सीट के बारे में जानना चाहते हैं। तो शिव आप ये आंकड़ा निकाल कर रखिए, संतोष के सवाल का जवाब हम देंगे कोलकाता के बारे में कि क्या है वहां की स्थिति। लेकिन अगले 3 राज्यों की बात कर लेते हैं, मुस्लिम बाहुल सीटें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल क्या कहता है? कुल सीटें यहां पर 6 सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 मिल रही हैं और एनसी को 3 सीटें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिल रही हैं, 1 निर्दलीय जीत रहे हैं। तो यह स्थिति है जम्मू कश्मीर के 6 सीटों की। इसके बाद बात करते हैं केरला की। केरला की स्थिति क्या है? केरला का ओपिनियन पोल 8 सीटों पर किया गया है। 8 सीटें मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल रही हैं और IUML को 2 सीटें मिल रही हैं केरला में। यहां बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है। लक्षद्वीप का ओपिनियन पोल, कुल सीट यहां पर 1 है मुस्लिम बाहुल सीट और ये एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जा रही है। तो ये तस्वीर है लक्षद्वीप की। तो ये 3 राज्य भी हमने आपको दिखाए शाजिया। लेकिन ये देखिए, बार बार ये बात तो कही जाती है बीजेपी की तरफ से कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने के बावजूद जो तस्वीर हम देख रहे हैं, देखिए ये जो हम ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं, इसमें उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में हम देख रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी तादाद में सीटें मिल रही हैं। लेकिन जब हम हिंदी पट्टी से दक्षिण की तरफ जाते हैं या पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहां पर बराबरी का कहीं पर मामला है और कहीं पर दूसरी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई देती है। यानी वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है या देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि सेक्युलर दल डराते हैं मुसलमानों को, ये कहते हैं कि आप एक पार्टी को वोट करें क्योंकि अगर आप दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके खिलाफ काम होगा, क्या इसका उलट भी होता है? बार बार जब ये भी कहते हैं कि तुष्टिकरण हुआ है इतने सालों तक मुसलमानों का, तो फिर हिंदू वोट एकजुट होता है।
और क्या वो फायदा मिल रहा है? देखिए अभी भी भाई साहब इस बात को कह रहे थे कि 2 से 303 का जो पूरा सफर है इसको भी समझने की जरूरत है। ऐसा क्या रहा है? बड़ा आसान है कह देना कि राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई और तारीख ना सिर्फ बताई बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, लेकिन उससे बढ़कर जो विकास का काम है, और मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ के बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। अब 14% क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 14% मुसलमान है पूरे देश में, लेकिन जनधन योजना देखिए कितनी बड़ी योजना है, 42% इसके लाभार्थी जिनको फायदा हुआ है वो मुसलमान है। अब आप देखिए इसके आगे बढ़कर स्किल इंडिया प्रोग्राम, तो आप सोचिए इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो 23% हैं, यानी कि सिर्फ 14% जनसंख्या और 23% लाभार्थी। आप देखिए बहुत जरूरी एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण, मैं इस पर जोर डाल के कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम ओन्ड बिजनेसेस हैं, बिजनेस व्यवसाय करने वाले व्यवसायी जो हैं, जो रजिस्टर्ड है पीएम की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, उसकी संख्या आपको बताया कितनी प्रतिशत बढ़ी है, 70%। तो आप देखिए पहली बार दरअसल सबके लिए काम हो रहा है, और ये नहीं कि खासतौर से मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि जो भी गरीब है सोशियो इकोनॉमिक तौर पर, सामाजिक आर्थिक तौर पर उसका फायदा हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर।